एसआरएफ फाउंडेशन अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 19 गांव को अडॉप्ट किया ताकि वहां संपूर्ण बदलाव लाया जा सके, ताकि वहां संपूर्ण विकास हो सके। हम लोगों ने हर पहलू को अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शिक्षा की बड़ी आवश्यकता है। वो शिक्षा प्रणाली जो पुराने तौर तरीका पर आधारित था, वो शिक्षा प्रणाली जो दक्षिणसी बातों पर आधारित था, हम लोगों ने देखा कि एक संपूर्ण क्रांति लानी होगी। हम लोगों ने सबसे पहले शिक्षा पर जोर दिया और शिक्षा में पहले हम लोगों ने क्लासरूम ट्रांसफॉर्मेशन पर जोर दिया कि क्लासरूम को ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसे सर्कुलर, सेमी सर्कुलर और ग्रुप में बांटा जाए और उससे क्लासरूम इंट्रैक्शन में काफ़ी इजाफा हुआ। बच्चे एक दूसरे से काफ़ी सीखने लगे और टीचर भी काफ़ी बच्चों पर ध्यान दे सकती थी। हाँ, ये ट्रेनिंग बहुत ही अच्छी है, मेरे टीचिंग स्टाइल में बहुत बदलाव आया है। क्लास में बैठे बैठे मुझे एक्टिविटी आ जाती है, स्ट्रेंथ जो बच्चों की कम हो जाती थी अब वो नहीं है ऐसा। जो इनएक्टिव बच्चे हैं वो थोड़ा सा देखते हैं इंटरेस्टिंगली भी, हाँ कुछ मैडम ने करा दिया। पहले तो बच्चे किताबों की कहानी पढ़ते थे और सुना देते थे, लेकिन अब बच्चों के अंदर इतनी नॉलेज आ चुकी है कि वो खुद बनाते हैं, खुद बनाकर खुश होते हैं और पता नहीं कितनों को दिखाते हैं कि ये कहानी हमने खुद बनाई है। मेथड्स भी नए नए हमें सीखने को मिले। एक तो होता है रट कर सुनाना और एक होता है बच्चा प्रैक्टिकल करके देखता है तो उसको याद करने की जरूरत नहीं रहती, उसके बाद वो खुद बता सकता है। प्ले के जरिए, खेल के जरिए कैसे पढ़ाते हैं, टीचिंग एड्स के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं। क्लासरूम अरेंजमेंट कैसे किया जाता है या ग्रुप लर्निंग के बारे में या फिर क्लास को कैसे डेकोरेट किया जाता है, बच्चों के अंदर उत्साह कैसे पैदा किया जाता है। अभी इस चीज़ को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, हमने इस चीज़ की शुरुआत की है। मैं अपना 100% दूंगी कि मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकूँ। दूसरा, हम लोगों ने सोचा कि बिल्डिंग एज लर्निंग एड। तो पहले वॉल्स पे ज़्यादा कुछ नहीं होता था, लेकिन अब काफ़ी चेंज आया। क्लासरूम को में ही अगर काफ़ी अच्छी तरह से तस्वीरें, चार्ट्स, ग्राफ्स, कुछ लिखी हुई बातें अगर हों तो बच्चे जो है बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तीसरा, हम लोगों ने सोचा कि टीचर्स को ट्रेनिंग देना बड़ा आवश्यक है। एक कहावत मशहूर है कि अगर आप मुझसे कुछ कहें तो मैं भूल जाऊंगा, अगर मैं जो मुझे दिखलावें तो शायद याद रखूँ, लेकिन अगर मुझे इन्वॉल्व करें तो मैं हमेशा उसको याद रखूंगा। इसी बिना पे हम लोगों ने बच्चों को इन्वॉल्व किया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। सभी टीचर्स काफ़ी चेंज हो गए पहले से, जो चीज़ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पहले नहीं था वहाँ जाने के बाद हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। मैं खुद भी एक चेंज महसूस करती हूँ, थोड़ी हिम्मत बन गई है कि नहीं हम कर सकते हैं, वी कैन डू समथिंग, वी कैन चेंज समथिंग। तो सीखने को मिला, एक्सपीरियंस हमने शेयर किए हैं। अब मेरी कोशिश है, मैंने प्रोटेस्ट करना भी शुरू कर दिया है अपने लेवल पे। एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ बच्चों के साथ में, क्लास के अंदर बोरियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। टीचर और स्टूडेंट्स मिल करके दोनों एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। कोई भी एरिया सिर्फ उसके लोगों की वजह से या तो आगे हो जाता है या पीछे हो जाता है। बच्चे भी बहुत हार्ड वर्किंग है और टीचर्स भी बहुत हार्ड वर्किंग है, अगर उनको किसी तरह की हेल्प मिले, अगर फैसिलिटीज मिले तो वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है, चलते रहना है जब तक लाइफ है, कुछ ना कुछ सीखते रहना है। खुद को चेंज करना कुछ नया सीखने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। आज हम इस लाइक बन चुके हैं कि हम नेट को अपना आप खोल लेते हैं, कंप्यूटर को हम देख सकते हैं, कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं। हम सबको इम्प्रूव करना चाहते हैं कि अगर इंशाल्लाह इंसान चाहे अपनी कोशिशों के जरिए वो अपने एरिया को, अपनी कौम को, अपने इलाके को आगे ले जा सकता है। एसआरएफ ने जो हमको दिया हम चाहते हैं वो सबको मिले। हम लोगों को एजुकेशन को एक नए सिरे से देखना होगा, एक नया स्वरूप देना होगा, एक नया निखार देना होगा, तभी हम जा करके सामाजिक और आर्थिक उन्नति ला सकेंगे।